बच्चों आज क्रोमैटोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है सीरीज। क्रोमैटोग्राफी क्या है? क्रोमैटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें कई कंपोनेंट आपस में मिक्स हों तो उसमें से किसी एक कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है आसानी के साथ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर ब्लैक कलर की चल रही है, ब्लैक कलर की चल रही है, और इस ब्लैक कलर मार्कर जो चल रही है ये डिफरेंट फोर कलर से मिलके बनी थी, है ना। जैसे हम बचपन में आर्ट बनाते थे तो अगर ब्लैक कलर मेरे पास नहीं है तो रेड और ग्रीन को मिलाते थे तो ब्लैक कलर बन जाता था। अगर बाद में वो जो ब्लैक कलर बना रेड और ग्रीन को अलग करना हो तो हम क्रोमैटोग्राफी के जरिए अलग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये चार कलर से मिलके मार्कर बनी थी तो क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करके इन चार के चारों कलर को अलग किया जा सकता है और किसी भी एक कलर को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चार कलर से मिलकर के ब्लैक कलर बना था वो चारों कलर अलग किया जा सकता है क्रोमैटोग्राफी प्रक्रिया के थ्रू। और ये जो आज मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ ये इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो आप समझ सकते हैं कि इसके बगैर आप किसी भी प्रकार की क्रोमैटोग्राफी को समझ नहीं सकते। इसलिए कि क्रोमैटोग्राफी अब हाई डेवलप्ड है, हाई एक्सेप्टेड टेक्निक है और इसको बहुत लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया जाता है बहुत से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, बहुत से कंपोनेंट को अलग करने के लिए। अमाइनो एसिड हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तमाम चीज़ों को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल क्रोमैटोग्राफी का किया जा रहा है। तो क्रोमैटोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है आप समझ सकते हैं, चाहे वो HPLC क्रोमैटोग्राफी हो, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, चाहे वो TLC थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी हो, चाहे पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी में कई प्रकार की क्रोमैटोग्राफी हो जाती है, असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमैटोग्राफी, यानी पेपर क्रोमैटोग्राफी के ही कई टाइप होते हैं। और एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, और क्या बोल सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, है ना, बहुत सारी क्रोमैटोग्राफी हैं, यानी बहुत टाइप डेवलप हो चुकी है ना। गैस क्रोमैटोग्राफी, तो कई प्रकार की क्रोमैटोग्राफी डेवलप्ड हैं और ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। और इसके बगैर आप, ये जो टर्मिनोलॉजी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसके बगैर आप कभी भी क्रोमैटोग्राफी चाहे वो किसी भी प्रकार की हो समझ नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि सॉल्यूट एनालाइट। सॉल्यूट क्या है, आप बचपन में पढ़ते आए हैं, सॉल्यूट वो चीज़ होता है जो घुलता है। जैसे मान लीजिए चीनी है, जैसे मान लीजिए ये शुगर है, शुगर अगर डिजॉल्व हो रहा है वाटर में तो ये विलेय है, ये विलायक है। विलायक मतलब सॉल्वेंट है, ये आप नॉर्मली जानते होंगे। शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यानी जो घुलता है उसको विलेय कहते हैं, जो घुलाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब अगर हमें माइकल टीसवेट का एक्सपेरिमेंट समझना हो, हमने समझा दिया है उसको, देखते हैं माइकल टीसवेट ने क्या किया था। एक कालम लिया था, उस कालम में बाकायदा क्या भर दिया था, है ना, ऐसे कालम होता है, सॉरी चलो ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक। ये कालम था, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का चूर्ण भर दिया था, फाइनली पल्वराइज्ड एकदम बारीक। और क्या किया, इसमें क्या डाल दिया था, पत्ती का एक्सट्रैक्ट डाल दिया था, एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ, और ऊपर से क्या डाल दिया था, मोबाइल फेज में ईथर, इसको कहते हैं मोबाइल फेज। अभी मोबाइल फेज भी समझ में आ जाएगा आपको, मोबाइल फेज, ठीक, मोबाइल फेज। तो क्या हुआ, अगर एक ही कलर का डाला था, मान लीजिए हरे कलर का, ग्रीन कलर का क्या था, एक्सट्रैक्ट था, ग्रीन कलर का एक्सट्रैक्ट था, तो जब माइकल टीसवेट ने ऊपर डाला सैंपल को पीस करके तो सिर्फ ग्रीन कलर था। लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने पाया, क्या पाया, कि इसमें तीन चार जोन बन चुके हैं। क्या क्या जोन बन चुके हैं, एक जोन मान लीजिए ग्रीन कलर का बन गया, दूसरा जोन किस कलर का बन गया, येलो कलर का बन गया, है ना, थोड़ा सा तीसरा जोन थोड़ा पिंक कलर का बन गया मान लीजिए, तो तीन तीन कलर पाए गए। यहाँ पे क्या था, सिर्फ ग्रीन कलर था, जब पत्ती को पीसा गया सिर्फ ग्रीन कलर था, लेकिन जब क्रोमैटोग्राफी को करवाया तो इसमें कितने कलर मिल गए, तीन कलर मिल गए। कैसे अलग हुए, किसकी मदद से, ईथर या इथेनॉल की मदद से, ईथर या इथेनॉल लिख सकते हैं यहाँ पे आप, इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल, ईथर या इथेनॉल की मदद से वो रन किया। तो सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट को एनालाइट कहते हैं, यानी घुल कौन रहा है, जो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो गया सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, यानी मोबाइल फेज में। मोबाइल फेज क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, देखो सॉल्वेंट सॉल्यूशन एलुवेंट, सॉल्वेंट को एलुवेंट कहते हैं, सॉल्यूट को एनालाइट कहते हैं, यानी जो घुलता है, यानी जो ये सैंपल है ग्रीन
कलर का जो एक्सट्रैक्ट है वो घुल रहा है किसके जरिए, मोबाइल फेज ईथर या इथेनॉल के जरिए, और उसके बाद में क्या हो रहा है वो मूव कर रहा है, मूव करते हुए जो जल्दी घुल गया वो नीचे आ गया, जो लेट में घुला वो कम थोड़ा पीछे है, और जो और लेट उसमें मतलब सॉल्युबल है वो और पीछे है। इस तरीके से एक दूसरे से कलर अलग अलग हो गए। सॉल्वेंट इल्यूवेंट, एन इल्यूवेंट इज अ सॉल्वेंट यूज टू कैरी द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर थ्रू अ स्टेशनरी फेज, इट इज एन अल्टरनेट टर्म यूज फॉर मोबाइल फेज। यानी मोबाइल फेस के लिए अल्टरनेट टर्म है इलुवेंट, इलुवेंट, इलुवेंट और एनालाइट। एनालाइट क्या है, सैंपल है जो घुलता है, यानी जो मोबाइल फेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, यानी अलग अलग करने के लिए, हम सैंपल को अलग करने के लिए, भाई सैंपल ही तो हमें एनालाइज करना है। तो एनालाइट का मतलब आप याद कर सकते हैं, एनालाइट का मतलब एनालाइज, एनालाइज क्या करेंगे सैंपल, तो एनालाइट का मतलब सैंपल हो गया, सैंपल इज इक्वल टू एनालाइट, द केमिकल एंटिटी बींग एनालाइज, जिसको हमें एनालाइज करना है। इलुवेंट समझ में आ गया होगा, इलुवेंट इज अ सॉल्वेंट, यानी इलुवेंट भी सॉल्वेंट है जिसकी मदद से एनालाइट अलग अलग होता है। और इल्यूशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एनालाइट्स आर वास्ट थ्रो स्टेशनरी फेस बाई द मोमेंट ऑफ मोबाइल फेस। यानी इल्यूशन क्या है, जो ये कलर अलग अलग हुए हैं इनका एक दूसरे से बाहर निकलना, मतलब पहले ये वाला निकलेगा तो इल्यूशन ऑफ पिंक कलर, ये वाला निकलेगा तो इल्यूशन ऑफ येलो कलर, ये वाला निकलेगा तो इल्यूशन ऑफ ग्रीन कलर। यानी जो सैंपल अलग हुआ है, जिस सैंपल को हमने एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, उसका कॉलम से बाहर निकलना, उसी को कहते हैं इल्यूशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्रोमेटोग्राफी क्या है, रिप्रेजेंट अ सेपरेशन टेक्निक, यानी जो टेक्निक क्रोमेटोग्राफी का मतलब, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी सेपरेट कंपोनेंट्स, यानी जो टेक्निक है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफ क्या है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग क्रोमेटोग्राफी, यानी जिस सिस्टम में हम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ। तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक का नाम है, क्रोमेटोग्राफ जिसमें क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। और क्रोमेटोग्राम क्या है, जो क्रोमेटोग्राफ यानी क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफ यानी क्रोमेटोग्राफी क्या है, प्रोसेस है, यानी क्रोमेटोग्राफी की प्रक्रिया में जो कुछ भी करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। द चार्ट डिस्प्लेइंग द टाइम डिपेंडेंट चेंज इन सिग्नल इंटेंसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। यानी क्रोमेटोग्राम क्या है, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वही होता है क्रोमेटोग्राम। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एक चीज और जान लीजिए, मोबाइल फेज क्या है, जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, मोबाइल फेज के जरिए सैंपल अलग अलग हुआ और मोबाइल फेज ही के जरिए सारे कलर अलग हुए, तो जो मूव करता है वो मोबाइल फेज, और कहाँ किसकी मदद से अलग हो रहा है, जो इसमें फाइनली पल्वराइज्ड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है वो स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है, स्टेशनरी फेज, ठीक, स्टेशनरी फेज आप लिख लीजिएगा, स्टेशनरी फेज, है ना। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जैसे सवारी क्या है, सवारी ट्रेन से सवार होकर के सफ़र करती है, तो सवारी मान लीजिए सैंपल है क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ, है ना। और मोबाइल फेज ट्रेन है, ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करती है, तो जिस सवारी को जहां उतरना होता है उतर जाती है, बात समझ रहे हैं, एक ही स्टेशन पे सारी सवारी नहीं उतरती है। तो मान लीजिए सुल्तानपुर में या किसी और जगह पर स्टेशन पर सारी सवारी एक ही ट्रेन में चढ़ी, है ना, समझ लो सारा का सारा सैंपल यहाँ पे है, उसके बाद में ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, मोबाइल फेज चलना स्टार्ट हुआ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, तो कुछ सवारी पहले स्टेशन पर उतरी, कुछ सवारी दूसरे स्टेशन में, कुछ सवारी तीसरे स्टेशन पे, यानी ऐसे ऐसे जो स्टेशन है यानी स्टेशनरी फेज है, कुछ कंपोनेंट्स मतलब जितने कलर से मिलकर के बना था, यानी जैसे जितने प्रकार की सवारी होगी जिसको जितने जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ उतरेगा, तो उसी तरीके से जहाँ जहाँ, है ना, ये जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज में ये सवारी यानी सैंपल अलग अलग स्टेशन पे उतर जाएगी और धीरे धीरे करके भाई वो अपनी मंजिल की तरफ जाएगी। और सबका मंजिल यहाँ पे कमाल की बात यह है कि एक कह है, सबको बाहरवा आना है, जिसको इल्यूशन कहते हैं, बात समझ में आ गई, जिसको इल्यूशन कहते हैं। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफिक टर्मिनोलॉजी। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट।